इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोलिट्रेक्स 15 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का इस्तेमाल रूमेटॉइड आर्थराइटिस और त्वचा की गंभीर स्थितियों जैसे सोराइसिस के इलाज के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल शरीर के विभिन्न भागों के कैंसर के इलाज के लिए भी किया जाता है। आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसा आपके डॉक्टर ने बताया हो। इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपको दवा के फायदे दिखने या महसूस होने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं, लेकिन जब तक आपका डॉक्टर न कहे इसे लेना बंद न करें। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, बाल झड़ना, रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी, लीवर एंजाइम में बढ़ोतरी, मिचली आना और पेट में परेशानी है। आपका डॉक्टर इनमें से कुछ को कम करने के लिए आपको फोलिक एसिड लेने की सलाह दे सकता है। अगर वे ठीक नहीं होते हैं या स्थिति और खराब हो जाती है तो अपने डॉक्टर को बताएं। इस दवा को लेते समय हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं। अगर आपके डॉक्टर ने सलाह दी है तो फोलिक एसिड लें। इससे इस दवा के साइड इफेक्ट कम करने में मदद मिलेगी। इस टेबलेट को असर करने में कई सप्ताह से लेकर कई महीने तक का समय लग सकता है। दवा को निर्धारित अनुसार लेते रहें। आपका डॉक्टर आपके किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन और खून में रक्त कोशिकाओं के लेवल की निगरानी करने के लिए नियमित रूप से ब्लड टेस्ट करवा सकता है। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ सकता है। यह वजन में बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। अपनी अंतिम खुराक के बाद कम से कम 6 महीने तक प्रेगनेंसी से बचें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।